हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल सूप की रेसिपी लेकर आई हूं, जो झटपट बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आपके घर में जो भी वेजिटेबल हो, आप उसी का ही सूप बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने यहां पर मटर, घिया, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, टमाटर और अदरक लिए हैं। मैंने इन सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है। मैंने सभी सब्जियों को कुकर में डाल दिया है बॉईल करने के लिए। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, लगभग एक कप। थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च भी डाल दी हैं, इससे इनका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। आप देखिए, ये वेजिटेबल सभी उबल गई हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, हमारी सब्जी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएं, तो इन्हें मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अगर आप गरम गरम इसमें ये डालेंगे, तो ये आपका मिक्सी का जार ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इनको पीस लिया है। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। अब मैं वापस से इसे उसी कुकर में पलट रही हूँ। मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लिया था, उस पानी में ही मैं थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करके डालूँगी, लगभग 2 टेबल स्पून। ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर खोल कर हमें कुकर में डाल देना है और उसे अच्छे से पका लेना है। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी अपने टेस्ट के अनुसार। मुझे थोड़ा ज़्यादा नमक पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। थोड़ी देर तेज आंच पर रखने के बाद फिर इसे आप सिम करके पकाइए अच्छी तरह से, और बस रेडी है आपका ये सूप। अब इसे आप सर्व करिए गर्मा गर्म और इसका आनंद लीजिए। अब इसमें ब्लैक पेपर ऊपर से भी डाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।